1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. हाय एवरीवन, वेलकम टू द केपी संत न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें, अभी हम दिल्ली के अंदर और हम निकलने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए ये जो फ्लैट्स बन रहे हैं, ये आपको बता दूँ दिल्ली की ये जेल है, ये जेल के ही अंदर है, कार्यकर्ताओं का ही है ये, और ये दिल्ली और गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर है दोस्तों। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और आपको आगे चलो फिर भी दिखाएंगे। और पीछे मेरे है, पीछे वाला दिलसाद गार्डन के लिए चला जाता है रास्ता। तो पीछे जो रेड बत्ती थी वहाँ से दिलसाद गार्डन के लिए चला जाता है। और देख सकते हैं ये तस्वीरें, और ये सारे फ्लैट्स बन रहे हैं जेलरों, जो जेल के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए। तो देख सकते हैं ये बॉर्डर आ चुका है, दिल्ली गाज़ियाबाद का बॉर्डर है दोस्तों ये। तो देख सकते हैं ये सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा जाम में लगना पड़ता। तो देख सकते हैं ये धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय है। तो देख सकते हैं ये ख़त्म हो चुका है, और ये लोनी के लिए चला जाता है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये लोनी के लिए चला जाता है यहाँ से लेफ्ट में, ये देखिए ये लोनी के लिए जा रहा है गाइस ये वाला। और बिल्कुल हम सीधे चलेंगे तो यहाँ से राजनगर एक्सटेंशन में, और आपका हिंडन रिवर और मोहन नगर के लिए निकल जाएंगे, जो कि जीटी रोड आ जाएगा। तब जो मोहन नगर जो हम राजनगर एक्सटेंशन के लिए जाएंगे, वहाँ पर पहले फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, अब फ्लाईओवर बन गया। तो देख सकते हैं ये मेरे राइट हैंड पे है भोपरा बॉर्डर, ये देख सकते हैं बॉर्डर निकलेगा। तो भोपरा बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं, लोनी बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं तस्वीरें, और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ गाइस। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस करो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में कंटिन्यू आते रहेंगे गाइस। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें, और ये अबरी भोपरा के हैं, और यहाँ से निकल जाते हैं हम नाम बोल रहा हूँ याद नहीं आ रहा मेरे। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें, और देखिए ये हिंडन एयरपोर्ट है देख सकते हैं। तो यहाँ से फ्लाइटें भी उड़ती हैं डोमेस्टिक के लिए, और देख सकते हैं ये हिंडन एयरपोर्ट ये है यहाँ पे, और ये बगल में ये मार्केट लगती है। तो पहले दोस्तों ये मोहन नगर के लिए चला गया, पहले यही रास्ता हुआ करता था, फिर ये रास्ता बनाया गया जिस पर अब हम चल रहे हैं। तो ये बहुत लेट बनाया गया है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये फ्लैट्स के हैं, यहाँ पर ये फ्लैट्स बने हैं, किसी ने कॉलोनी बनवाई है किसी बिल्डर ने, तो उसका ही ये बोर्ड लग रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, और अब हम पहुँच चुके हैं न्यू बस अड्डे गाज़ियाबाद की तस्वीरें हैं, जो कि मॉल था बहुत बड़ा, तो इसमें 10 मूवीज़ चलती थी पहले। तो ये देखिए साइन प्लाजा, और ये है मेट्रो स्टेशन नए गाज़ियाबाद का, देख सकते हैं तस्वीरें। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के अंदर ही ट्रक्सों का काम होता है। देखिए बस ट्रक जो भी वाहन है उनका सारा का इनका रिपेयरिंग किया जाता है दोस्तों यहीं पे। तो देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो मैं दिखाता हूँ आपको चल कर। तो देख सकते हैं ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, पूरा बस स्टैंड का एरिया इन्होंने ही घेर रखा है, ये नए बस अड्डे के पीछे है। और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता, ना नगर निगम ना जीडीए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, देखिए ये ट्रक संभाल रहे हैं अपना, देखिए ये मिस्त्री लगा हुआ है,
और देख सकते हैं ये सामने मिस्त्री लगे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकच बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, और ये मुसलमान ज़्यादातर मुसलमान ही करते हैं इस चीज़ को। तो देख सकते हैं दोस्तों, और ये आ चुका है ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम का ग्राउंड, SRG क्रिकेट स्टेडियम ग्रुप ग्राउंड। और ये आपको बता दूँ, ये पड़ता है हाईटेक के अंदर, बमेटा शाहपुर, लालकुआ, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। अभी न्यू ये ग्राउंड बना है दोस्तों, और आप लोग अगर टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं यहाँ पर आकर, तो कमेंट करें हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में, मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपका मैच फिक्स करवा दूंगा। और ग्राउंड भी बहुत सुंदर है, तो आप लोग देख रहे हो, ये रात की तस्वीरें हैं, 7:30 बजे की तस्वीरें हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कितनी चकाचौंध है। और ऐसे ही स्टेडियम में अगर आप खेलना चाहते हैं, आप टूर्नामेंट रखना चाहते हैं, तो आपका मैं कॉन्टैक्ट करवा दूँगा, और आप यहाँ पर क्रिकेट खेलना आ सकते हैं दोस्तों। अभी बना है न्यू, और ये बमेटा शाहपुर में लगता है दोस्तों, लालकुआं, बिष्णु बिहार कॉलोनी है, ये बिष्णु बिहार कॉलोनी के अंदर है बिल्कुल लास्ट में, जो कि जयपुरिया हाईटेक लगता है दोस्तों। तो देख सकते हैं तस्वीरें इस ग्राउंड की, मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को दिखाया जाए। और आप पर अगर आप लोग क्रिकेट के फैन हैं, अगर क्रिकेट खेलते हैं, तो आपका मैं मैच यहाँ पर फिक्स करवा सकता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो नीचे है डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाकर फॉलो करो ज़्यादा से ज़्यादा। और फेसबुक पेज को भी फॉलो करो दोस्तों, मैं पोस्ट और रील्स घेरता रहता हूँ अपने इंस्टा पे भी और फेसबुक पर भी। तो आप लोग जाकर इंस्टॉल करो, फॉलो करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह सोशल मीडिया पे, अपने रिश्तेदारी में, हर जगह फॉलो करो गाइस। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों के बीच में दोस्तों KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इंटरटेन करता रहता है। और देखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग कौन सी कॉलोनी है, बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों को बताओ, शेयर करो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो दोस्तों, और हमें शेयर करो सोशल मीडिया पे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन पर जाकर बहुत ज़्यादा शेयर करो हमारे KP संत, अपने KP संत भाई को ज़्यादा से ज़्यादा। और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस करो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में कंटिन्यू आते रहेंगे। अब मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को नई से नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ। तो ये अभी रिसेंटली में ही स्टेडियम बना है, और चारों तरफ इन्होंने प्लास्टिक का घेरा करा हुआ है ताकि पब्लिक ज़्यादा आ ना सके। तो पब्लिक देखिए, ये और पास बैठी हुई है दोनों तरफ, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं करीब, और देखिए क्रिकेट हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है। तो देखिए दोनों साइड में, और ये मकान भी बन रहे हैं, तो मतलब कि ये कॉलोनी के ही बीच में है दोस्तों ये स्टेडियम। तो आप आ जाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी मैं कॉन्टैक्ट करवा दूँगा, और आप अपना मैच फिक्स कर लेना दोस्तों, कब खेलना है कब नहीं खेलना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जाकर फॉलो करो ज़्यादा से ज़्यादा KP संत को। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई